हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनाटेक एम्पलीफायर V9000 मॉडल के बारे में। इसके आउटपुट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें कितने बेस लगाना सही रहेगा, कितने वाटेज लोड देना सही रहेगा, इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे और इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डायनाटेक V9000 का जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है। उसमें आप बेस भी बजा सकते हो और टॉप भी बजा सकते हो। इसका डैम्पिंग फैक्टर जो है 880 है, तो इसमें जो बेस का वाइब्रेशन पंचिंग बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो इसमें क्या लोड दे सकते हैं, बेस कितना लोड दे सकते हैं, टॉप कितना लोड दे सकते हैं, कितने बेस बजा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले इसके आउटपुट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर में आपको 8 ओम्स पे आउटपुट मिलता है 1600 वाट पर चैनल। 8 ओम्स पे 1600 वाट पर चैनल, यानी आप यहाँ पर 8 ओम्स पे यानी एक सिंगल बेस पर चैनल यूज कर सकते हैं 1500 वाट तक। एक सिंगल बेस यूज कर सकते हैं पर चैनल आप। और 4 ओम्स पे यहाँ पर आपको मिल रहा है 2600 वाट पर चैनल। तो आप यहाँ पर 1200 वाट का सिंगल दो बेस यूज कर सकते हैं पर चैनल, या फिर आप डुअल 2400 वाट का एक बेस यहां पर यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट साउंड मिल जाएगा, वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा, पंचिंग भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर आप यहां पर टॉप यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर 4 ओम्स पे 2400 वाट तक टॉप आप यहां पर यूज कर सकते हैं। और जो 2 ओम्स पे आपको आउटपुट मिल रहा है 3800 वाट पर चैनल, यहाँ पर आप बेस के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करता। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टॉप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 1200 वाट का दो टॉप या फिर 1500 वाट का दो टॉप लगा सकते हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट सुनने में मिल जाएगा। ध्यान रखें, यहाँ पर आपको अगर टॉप लगा रहे हैं तो वॉल्यूम को फुल नहीं देना है, वॉल्यूम को थोड़ा हाफ में रख के बजाइएगा। और ब्रिज मोड में आपको आउटपुट मिल रहा है 8 ओम्स पे 5200 वाट और 4 ओम्स पे 7600 वाट। ध्यान रखिए, ब्रिज मोड पे अगर आप बजा रहे हैं तो आपका जो स्पीकर्स है आपका आउटपुट पावर्स को संभाल सके, यानी हैंडल कर सके, नहीं तो आपका स्पीकर्स डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो था आउटपुट्स के बारे में और लोडिंग कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस जो है 50 से लेके 55,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। हालांकि आपके लोकेशन के हिसाब से 2-4 हज़ार ऊपर या नीचे हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, जैसे कि अमेज़न में ये 60,000 प्लस दिखा रहा है। अगर आपके नज़दीकी मार्केट से लेते हैं, आपके लोकेशन के हिसाब से आपको 50 से लेके 55,000 में मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था डायनाटेक V9000 मॉडल के बारे में डिटेल्स जानकारी। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। और हमेशा हमारे वीडियो देखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।